बिलीव मी, ये जो गेम तुम देखने वाले हो ना, ये प्रोबेबली 2023 का बेस्ट जीवीआर रोम हैक हो सकता था। बट दिक्कत इसमें यही है कि ब्रो, यह अभी बेटा स्टेज में है, यह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसीलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था इसको खेलने के लिए। बट मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि चलो भाई कोई बात नहीं, बेटा में है तो क्या ही दिक्कत है, खेल लेते हैं। दिक्कत यही रहती है कि बाद में तुम सीरीज़ को सपोर्ट नहीं करते जब कंप्लीट गेम आती है, क्योंकि मैं बीच से ही खेलना स्टार्ट कर देता हूँ। मे बी अब इस गेम के साथ मैं नहीं करूँगा, कुछ अरेंज कर लेंगे हम उस टाइम पे बाद में जब इसका कंप्लीट वर्जन आएगा। बट या चलो कोई बात नहीं, इससे पहले मैं तुमको बता दूँ कि मैंने पहले बोला था कि मैं वीकली अपलोड करने वाला हूँ, हर सैटरडेज को वीडियो आएगी। बट मैंने उस प्लान को कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरे पास कुछ स्पेशल बनाने के लिए था ही नहीं भाई कि मैं तुमको हर सैटरडेज को कुछ दूँ। मतलब कुछ एक वीक में तुम एक वीडियो देख रहे हो तो कुछ तो स्पेशल तुमको मिलना चाहिए था ना, बट मेरे को उसका भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा जो रेगुलर जैसे जैसे गेम्स आ रहे हैं मैं खेलते जाता हूँ, अगर टाइम मिला तो सही है, नहीं मिला तो एक दो वीक्स तक वीडियो नहीं आएगी और क्या होगा। ओके, लेट्स जस्ट फोकस ऑन ए स्टोरी। यग्ड्रासिल, जिसको वर्ल्ड ट्री भी कहा जाता है, इसके नीचे है एक बहुत विशाल सा भूल भुलैया जो कि उसके जरों के द्वारा ही खोदा गया है काफी सालों में। तुम क्या सीख करते हो, फेम, फॉर्च्यून या फिर वो जो तुम्हें पता ही नहीं है? कितना गहरा ये मेज होगा, क्या हो सकता है अर्थ की गहराइयों के अंदर, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब वो एक्सप्लोरर्स ढूंढते रहते हैं जो कि पूरे दुनिया से आते हैं। और उनमें से एक जवान लड़की भी है जिसकी कहानी आज मैं तुमको सुनाने वाला हूँ। ओके, सीम्स प्रीटी इंटरेस्टिंग, टेल नाउ। सेलेक्ट द गेम मोड, हार्ड या फिर नॉर्मल? ओके, लेट्स गो विद नॉर्मल। तुम लोग तो हार्ड ही चुनोगे ब्रो, बट जब हम उसको सेकेंड टाइम खेलेगा ना तो आप पक्का हार्ड चुनेंगे भाई, अभी नॉर्मल ही रखते हैं। यप, आई एम गोना यूज द नॉर्मल मोड या फिर सेलेक्ट द नॉर्मल मोड। Find your courage, the story is about to begin. अपनी हिम्मत ढूंढ लेते ब्रो। प्लस माइन एन भी है यहाँ पे, ये दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ, तुम लोग मेरी चिंता कर रहे हो, मुझे पहले वो लेने दो जो कि बाकी है यहाँ पे। अब कहाँ रख दिया मैंने उसको? निक्सी एक जवान लड़की है जो कि एक आइलैंड पे रहती है जिसका नाम है फाइबरनिया। ऑल्सो हमारी गेम की या फिर टेल की प्रोटैगनिस्ट, मेन कैरेक्टर जिसको तुम बोलो। ओके, ओह, मेरे को वो कहीं नहीं मिल रहा है, क्या दिक्कत है, क्या कुछ खो गया है? एंड हु इज सी? आई गेस ये लड़की है कि लड़का है, पता भी नहीं चल रहा, वैसे तो लड़की लग रही है मेरे को। मैं अपने प्लसल और माइनन का पोकेमॉन नहीं ढूंढ पा रही। क्या तुमने अपने ड्रॉअर के टॉप पे देखा? ऑफ कोर्स मैंने देखा था, तुम क्या सोचती हो कि मैं क्या हूँ? श्योरली वैसे जादुई तरीके से तो नहीं जाएंगे। MA1 लाइट हेडेड सिस्टर जेरो। अच्छा, मतलब वो होता है ना कि वो थोड़ा हिट है ऐसे, मैं समझ रहा हूँ कि तुम भी समझ रहे हो क्या है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। यह है MA, नेक्सी की या फिर हमारी या फिर जो भी बोलो हमारी, मतलब हम ही खेल रहे हैं नेक्स के रूप में, नेक्स बोलो ना, नाइक्स जो भी उसका नाम है, खुद का ही नाम नहीं मेरे मेरे को मेरी बड़ी बहन है। ओके, सी इज द मोस्ट एक्सपर्ट एक्सप्लोरर फ्रॉम द एडवेंचर स्क्वाड इन दिस सिटी ऑफ टेलरेगा। टेलरेगा नाम है इसका। इन शॉर्ट, एक साइनिंग रोल मॉडल है, वो होता है ना इंटेलिजेंट वाला पर्सन जो कि हर चीज़ में अच्छा होता है, ये लड़की बिल्कुल उसी तरह है। कम ऑन, चलो चलते हैं, तुम लेट नहीं होना चाहती ना अपने गिल्ड के फर्स्ट डे पे? नहीं, लेकिन नो बट्स, पहला इंप्रेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है हर केस में। एनीवेज, मैं अभी चलती हूँ, मुझको कुछ काम निपटाने हैं टेलरेगा में, ट्राई नॉट टू बी लेट। ओह माय गॉश, मेरी बड़ी बहन तो बहुत एक्सपर्ट है मैन, कभी कभी ऐसा भी दिक्कत होता है ब्रो, सभी लोग बोलेंगे अपने बड़े भाई से तो सीखो, बट ठीक है, कम ऑन लिटिल पेस्ट। अरे व्हाट, रिटर्न टू योर पोकेबल, वहाँ पर लिटिल पेस्ट से तुम ये मत कहना कि हार्श लैंग्वेज, एक्चुअली उसकी बहन ने थोड़ा रौब जमाया ना उस पर, तो उसका इफेक्ट इस लड़की पर दिख रहा है, थोड़ा गुस्सा में थे इसलिए कीड़े मकौड़े उसको बोल रही थे। अवल वो मेरे पोकेबल्स थे। अच्छा, मेरे दोनों प्लस एंड माइनस स्टार्टर है मेरे। अच्छा, ऐसी बात है ना, सही है ब्रो, दो दो स्टार्टर मिले मेरे को, पता नहीं कैसा गेम है, मेरे को देखना पड़ेगा कि क्या करना रहता है यहाँ पे। भैया लेट्स जस्ट चेक इट आउट। हेलो मोहतरमा, एक बच्ची है छोटी सी। हे नेक्स, कैसी हो तुम? बहुत अच्छी हूँ मैं तो। मैं अभी फाइबरनिया के जंगलों से आया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई बग्स मिले ही नहीं,
हाउ डिसअपॉइंटिंग। ओह माय गॉश, बेचारा बच्चा। कोई बात नहीं, चलो यहाँ पोकेमॉन सेंटर है, यहाँ पे हम हील करवा सकते हैं। हेलो, कौन है भाई तू? ये क्या गोल्ड लेडी, व्हाट द हेल, वेयर इज नर्जो, आई नो, वेलकम टू पोकेमॉन सेंटर, मे आई हील? नोप। टेलर द सेलर, अच्छा कभी सुना तो नहीं है मैंने। वो फेमस एक्सप्लोरर है लेनही रीजन, कोई और रीजन भी है? आई एम अ बिग फैन, आई डोंट नो कि कौन सा रीजन है ये, लेनही इसका नाम है। रेंजर Maybe rumor says that on the island of Arundel, you can find a woman who brews potion to increase your stamina. Is it true? What is the side effect? Potion use करने का कोई side effect भी है? मेरे को पता भी नहीं था। मैंने कोशिश की थी डार्क बर्ड अपने सैमी रैगल को सिखाने का। मैं उसकी आँखों में वो चमक देखना चाहते हो। Oh my gosh, okay. डार्क राइड वो सीख भी सकता है, आई डोंट नो अबाउट दैट। लाइक मेरे को लगा कि डार्क राइड नहीं, डार्क राइड तो सीख ही सकता है, पता नहीं डार्क राइड और कौन कौन से सीख सकता है वैसे। ओके चलो ठीक है, हम लोग कहाँ पे आ गए? फरबेनिया, क्या था ब्रो वो? ओके तो तुमको क्या चाहिए स्प्रॉग, चले जाओ यहाँ से। क्यों भाई इतना नफरत क्यों मेरे से? ओह माय गॉश, उनका मूड खराब होगा ब्रो। मेरे को लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। अच्छा ये क्या ब्रो? वुड्स है भाई, फाइबरनिया का, मैं फाइबरनिया क्या पिछली बार बोल दिया था मैंने। फाइबरनिया का यहाँ पर। ओके लेट्स सी कि यहाँ पे मेरे को कोई पोकन्स वगैरह मिल सकते हैं। मेरे पोकल्स तो वैसे नहीं लिए, तो मेरे को कुछ ऐसा मिल भी गया तो मैं क्या ही पकड़ूंगा उसको। नॉर्मल पोकबल्स मतलब पोकमेंस है यहाँ पर, क्या ही मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यार ऐसे स्टार्टिंग में ही गेम में, गेम के स्टार्टिंग में क्या ही मिलेगा मेरे को कोई अच्छा वाला पोकेमॉन। ओके जो भी है, फिलहाल के लिए हम लोग चल के आगे देखते हैं कि किधर जा सकते हो मैं, किधर रास्ता है यहाँ का। ओह माय गॉश, ऊपर से नीचे कूद गया मैं, मेरे को लगता नहीं इधर से कोई रास्ता होने वाला है, एक्चुअली वापस जाने का रास्ता ही होगा। ओके मिरेकल सीड मिला मेरे को, चलो बहुत ही अच्छा, कुछ तो मिला भाई, खाली हाथ तो नहीं जा रहे हम। ओह निंकाडा, वैसे वो लड़का था ना वहाँ बगल में जिसने बोला था कि यहाँ पे उसको बग पकवान नहीं मिल रहा है, निंकाडा बग टाइप ही है ना साइड से। ओके जो भी है, हेलो गर्ल, रिसेंटली यहाँ पे अगल बगल थोड़े सैडी पीपल्स दिखाई देने लगे कैप के। कैप के अगल बगल मतलब वही नाव का जो जगह रहता है उसके अगल बगल थोड़े सैतान ट्रेनर्स या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, लोग दिखाई देने लगे। क्या तुम्हें पता है पोकेमॉन ब्रेवरी के बारे में? वो यहाँ पे इस एकेपिलागो में नहीं रहता, मैं बहुत उदास हूँ। ओह इसको क्या चाहिए वो? वो क्या कहीं मिल जाएगा दूसरे आइलैंड वगैरह में तो मे बी मैं ले सकता हूँ, इसको दे सकता हूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, क्या तुमने टेलरेगिया का पोर्ट विजिट किया? वहाँ पे जो कैप्टन है वो काफ़ी स्किल्ड ट्रेनर है जो कि तुमको मदद करेगा समुद्री रास्ते को ढूंढने में, मे बी तुमको वो इंटरेस्टिंग लगा। ओके मेरी चैट्स पढ़ने की आदत चली गई ब्रो, इतने दिन से मैंने गेम वैसे खेला नहीं था ना कोई जीबी वाला, इसके कारण आई गेस। कोई बात नहीं एल्डर, क्या मुझे कुछ शांति के मोमेंट्स नहीं मिल सकते? अब तो मैं रिटायर भी हो चुका हूँ। ये लो और भाग जाओ। ग्रेट बॉय, थैंक यू वेरी मच। उनको क्या लगा कि कोई मैं काम से आया था, ऐसे ही भगा सकते थे मेरे को, बट ठीक है मिल गया आइटम तो बल्ले बल्ले। डू यू विश टू गो टू टेलरेगो? यप ऑफ कोर्स। वो आपको गिल्ड में जाना है ना, कुछ तो गिल्ड वाली चीज़ थी, पहले दिन कौन लेट होता है गिल्ड में। मैं भी तो गजब हूँ भाई। ए ये क्या है? कैप्टन, क्या तुम? तुम उतने ताकतवर नहीं हो कि तुम मेरी मदद कर सको, कम बैक आफ्टर सम ट्रेनिंग। ओ ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई मीन मैं ऐसे ट्रैवल वगैरह कर सकता हूँ, यहाँ से मैं साथ से कोई दूसरे पोर्ट पे जा सकता हूँ। ग्रीटिंग्स, वेयर डू यू विश टू गो? ओह ओके, यहाँ पे थोड़े बहुत आइलैंड्स हैं जहाँ पे मैं भी मैं घूम फिर के वो कर सकूँ। ओके लेकिन मेरा गिल्ड वगैरह कहाँ पे है मेरे को उसके? ओह व्हाट वाज दैट, कौन सा पर्सन था वो? उस आदमी के साथ क्या गलत था? हाँ ठीक से चलो स्टुपिड पंकिन, क्या था वो स्टेटमेंट? ट्रू, वो जो बच्चा था वो 99% स्टुपिड था हमारे डेटा सेट के हिसाब से। ये कौन कंप्यूटर है भाई, क्या 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 ये पर्सन भाई? और तुम कौन हो मेबे? मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से इंटरेक्शन का टाइम मिसिंग है, मुझको कहीं और जाना है। सैल्यूटेशंस।
ओह माय गॉश, इस ये अजब ही पर्सन है भाई, कंप्यूटर लग रहा था मेरे को ये। कैलकुलेशन सल्यूटेशन ओके। मुझको थोड़ी गंदी फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, मतलब व्हाई का मेरे को पता ही है, बट व्हाई द हेल इज दिस थिंग हैपनिंग विद मी। उधर साइड से मेरे को जाना चाहिए, इधर ही चल के देखते हैं क्या चीज़ है ये। वैसे तो मेरे को पहले पढ़ना चाहिए था, बट या हेलो, तुम्हारा स्वागत है क्राबी क्लब में। Adventurers often come here to rest after their expedition. किसको पता है, मे बी यहाँ पे तुमको कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाए या फिर तुम कुछ आइटम्स को ट्रेड कर लो। अच्छा, ऐसा भी है, मतलब बात करने के लिए बेसिकली ये जगह वगैरह है। गिटारिस्ट ऑरीज क्रैवी क्लब वॉज सो सक्सेसफुल दे एक्सपोर्टेड इट हेयर। श्योर। हेलो, मैंने सुना है कि यहाँ पे एक स्नीजल कॉलोनी है इस आइलैंड ऑफ अरुंडल में। इनके नाम थोड़े ऐसे वैसे हैं, मतलब ठीक है उतने भी गंदे नहीं हैं, बट फिर भी मैंने खुद से तो देखा नहीं है। क्या तुम मुझे वॉन्ट यू सो मी वन, क्या तुम मुझे दिखाओगे? यस, थैंक यू सो मच। लिविंग इन द अरुंडल वर्ल्ड्स, मतलब इसको मेरे को स्लीजल दिखाना है। ओके, जब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो पकड़ के इसको दिखा भी दूंगा। ओफ, मैं काइंड ऑफ डिस्परेट पोजिशन में हूँ अभी। बैरिस के लोड आई वॉज वेटिंग फॉर हैज येट टू अराइव, बट आई नीड इट एज फॉर माई सिस्टर्स वेडिंग केक। अच्छा, हाँ तुम एक एडवेंचरर हो ना, हो ना? क्या तुम कुछ बैरीज को पिक करोगे मेरे लिए? यस, योर योर शेबियर। अच्छा, 10 ऑरेंज बैरी, 5 ब्रिचर बैरी, 5 क्रिस्टो बैरीज। अच्छा, ये सब जब मेरे पास हो जाएंगे तो इसको ला के देना है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? उन्होंने कहा था कि मैं एक यानमा ढूंढ पाऊंगा वैरली वुड्स में, बट मैंने तो एक को भी नहीं देखा। क्या तुम एक को ढूंढ सकते हो? मैं तुमको पॉरीगॉन दूंगा। ओके, जब मैं पकड़ लूँगा तब आके मैं ये कर लूँगा। पता नहीं मैं ऐसे क्वेस्ट एक्सेप्ट कर लूँगा तो वो क्या चीज़ हो गए। बढ़िया, ओह लुक एट दिस गर्ल। हाँ, देयर इज ऑलवेज समथिंग टू डू हियर। आई हैव नॉट टेकन अ ब्रेक टुडे येट। अच्छा, तो यहाँ पे काम करने वाली चीज़ लाइक ये सारे कुछ कुछ हमको वो काम देते हैं जो हम कर सकते हैं बेसिकली। ओके, इन सब चीज़ों को बाद में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को कि कैसे चीज़ें चल रही है। देख रहे हो, बिल्कुल ओपन वर्ल्ड टाइप का बना हुआ है। तुम अपने एडवेंचर को स्टार्ट कर चुके हो और उसके बाद तुमको बस ऐसे वैसे जाना है। वैसे मैं सोच रहा हूँ एक दो को उनको हरा भी देता हूँ ब्रो, क्योंकि अभी तो मेरे को कोई ट्रेनर्स मिले नहीं है, मेरा कुछ भी लेवल अप हुआ ही नहीं है यहाँ पर। अगर जो भी है इधर साइड। ओ क्या चल रहा है यहाँ पे? ओ यार, तुम बिल्कुल टाइम पे आई हो नेक्स। यहाँ पे ओलंपिया और ईथन है, ट्राई टू गेट अलोन। ये तुम्हारे एक्सप्लोरेशन पार्टनर्स होंगे, मतलब हम साथ में जाएंगे या फिर बीच रद्दी में मिलते रहेंगे। यू ओके? या नेवर माइंड इफ यू से सो। इन एनी केस यू शुड गो टू द गिल्ड एस्पर। दरअसल सही में तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे तुमको रजिस्ट्रेशन के लिए। तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के लिए? ये कौन है बंदा? अहम है, सब कुछ रेडी है एक्सपेंडिशन के लिए। Let me know कि तुम ओह, क्या मैंने कुछ इंटरप्ट तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं फेरी, हम लोग ने यहाँ पे काम खत्म कर ही रखा है। नेक्सी, एक्सपेंडिशन के दौरान तुम थोड़ा केयरफुल रहना। मुझे पता है कि तुम एक काफी ग्रेट विनर हो, बट अपने गार्ड्स को कभी डाउन मत करना। और तुम दोनों के लिए भी सेम चीज लागू होती है, डू नॉट मेक मी वरी। फेरी और मैं कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। विल फाइंड अ वे टू गो टू डीपर इनसाइड द 8th स्ट्रैटम एंड वी आर ऑल फायर्ड अप। अच्छा, उसी पेड़ के उस गुफा में, मतलब स्ट्रैटम तुम देख रहे हो कि स्टील्स टाइप का, मे भी बोलो उसको। बाय नाउ एंड बिहेव। चलो भाई, बहुत ही अच्छे। मतलब एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि अपना जो कैरेक्टर है ना उसको मैं अपनी ही वॉइस दूँ, क्योंकि मे बी वो गर्ल है बट फिर भी, ताकि ज़्यादा लाइक वॉइस में डिफरेंसेस रख सके। अदरवाइज मेरे सारे गर्ल वाली वॉइस एक ही टाइप के लगते हैं, मैंने सुनाता हूँ, बट जो भी है। ओके, सो इसी के कारण तुम लोग काफ़ी जल्दी में थे। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुमको उस तरह से ट्रम्पलिंग किया, मैं वो करना नहीं चाहता था। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो। पीस ऑब्टेंड, हुरे। बट ये बंदा अजब नमूना है भाई। बाय द वे, तुम एक रोबोट की तरह बात क्यों कर रहे हो? वही तो मैं बोलना चाह रहा था ब्रो, क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। व्हाट? व्हेन जस्ट गेट ओवर इट, व्हाट द हेल। मतलब रोबोट कॉमन है यहाँ पे? व्हाट द हेल, आई डोंट गेट इट मैन। वाज इज वर्किंग, आई डोंट नो। एनीवेज, अभी हमको गिल की ओर जाना चाहिए। ये अच्छा नहीं होगा अगर हम बॉस को वेट करवाएं। चलो भाई,
मेरे को तो आने दो, भाग गई खुद भी खुद। आई वंडर व्हाई दे नो माय सिस्टर। हाँ बिल्कुल सही बात है, मेरे बहन को कैसे जानते थे वो, या फिर मेरी बहन उसको कैसे जानती थी, आई डोंट नो। लास्ट एक्सपेडिशन डोंट गो वेल। एक्सपेंडिशन मतलब वही खोज वाली चीज़ में भी मैं बोल देता हूँ। अ पाइन को ड्रॉप फ्रॉम अ ट्री एंड यूज सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ओह माय गॉश, ओके मजा आएगा कैसे कैसे चीज़ें रहते हैं, मेरे को वो देखना है ब्रो। फर्स्ट असम्स अ कैप्टन डजंट जस्ट यूज ग्रास टाइप, बी केयरफुल। अच्छा कोई जिम वाली टाइप की चीज़ है यार, लाइक यूज ग्रास टाइप, मतलब मेरे को कुछ ऐसा समझ में नहीं आया, बट ओके हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपने। I'll just find out कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे। हेलो, यहाँ गोल्ड में तुम कुछ भी ढूंढ सकते हो जो भी तुमको चाहिए। अगर तुमको कोई डाउट हुआ तो तुम लाइब्रेरी में जाके चेक भी कर सकते हो। अच्छा ऐसी भी चीज़ है। हेलो, मैं यहाँ पे हेड पर तुम्हारे पोकेमॉन को सिखा सकता हूँ। मैंने गिव इट अ ट्राई। यस श्योर, परफेक्ट। विच पोकेमॉन? दोनों सीख सकते हैं, प्लसन को सिखा के देखते हैं। ऑलरेडी चार मूव्स से मेरे को खुद पता नहीं है। ओके टैकल से तो एक्चुअली अच्छा ही है हेड पर ना, रिलीज का मैनी टाइम। इसको भी सिखा देते हैं टैकल से हटा के। एक्चुअल भाई बहुत ही अच्छे। हेल्पिंग हैंड वैसे मैं हटा भी सकता था, बट ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी कभी कहा मचे। ओह ये कौन है? गुड, सबको यहाँ पे है तो हम चालू कर सकते हैं। मैं हूँ विसिल, वर्ल्ड ऑफ टेलरेगा का लीडर। मैं ऑफिशियली तुम लोग को वेलकम कर रहा हूँ एक्सप्लोरर्स में। तुम क्या सीख करना चाहते हो डंजन से? फेम, ट्रेजर, या फिर तुम बस अपने स्किल्स को बढ़ाना चाहते हो? फेम मतलब कुछ ऐसा खास ढूंढ ले जिसके कारण हम फेमस हो जाएं, या फिर कुछ खजाना, या फिर वैसे फेम और खजाना तो दोनों एक ही बात है, खजाना मिलेगा तो फेम मिल ही जाएगा। इट्स अप टू यू। बट ऐसा भी नहीं है कि हर बार ऐसी चीज़ होती है, लाइक जो चीज़ तुम्हारे लिए मे बी खजाना है, दूसरे के लिए वो खजाना ना हो। मतलब मे बी तुम्हारा कोई खास दोस्त है तो दूसरे के लिए कॉमन लोग हो सकता है जो कि इसको पहचानता भी नहीं है, ऐसी भी बात हो सकती है ना। मैम येस दिस वुड वर्क, होपफुली आई लेफ्ट अ गुड इम्प्रेशन। ओके क्या करना चाहता है ये? ओह हाय मिस्टर वेसल सर। ओह मुझे माफ़ करना, मैं कहाँ पे था? राइट, दोस्त बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है एक बहुत अच्छा फाइट। फाइट मतलब बैटल, पोकेमॉन बैटल से बोल रहे हैं वो। हाँ 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 निक्स, क्यों ना तुम पहले ओलंपिया से बैटल करो और जो उसमें से जीतेगा वो ईथन से बैटल करेगा। श्योर, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके रोमांटिक मैन, लेट्स गो। वेरिएबल फॉर्च्यून इज नल, वेरिएबल फॉर्च्यून इज नल और अनडिफाइंड। ओह माय गॉश, किस्मत का कोई आशा मत रखना। ओके मतलब ऐसा भी नहीं है, चलो भाई जो भी है। मोबाइल, अच्छा वो लड़की थी, मेरे को ये भी नहीं पता, मेरे को लगा कि वो लड़का है ऐसा। ओह माय गॉश क्या क्या चीज़ें हैं भाई। चलो जो भी है ब्रो, लेट्स यूज स्पार्क। मेरे को लगता है मेरे को मोबाइल दिक्कत देगा, तो वाई नॉट मोबाइल को ही देखते हैं पहले। आ जाओ स्पार्क, बहुत ही अच्छे। माय गॉड पहले इसको हरा दिया जाए और इधर से ये स्पार्क स्पार्क। ओह ओके मैंने दोनों पोकन बच गए, उसके दोनों हार गए। एरर एरर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, एरर रिपोर्टिंग सिस्टम। याद भी है रोबोट है। एक वंडरफुल फाइट, ट्रूली स्पेक्टिकुलर। चलो मैं तुम्हारे पोकेमॉन्स को हील कर देता हूँ। बहुत ही अच्छे, लेट्स कीप इट अप देन। क्यों ना तुम भी वैसे बैटल करो जैसा भी मिनट पहले चला था। यस यस आई विल ट्राई। ओह माय गॉश डुअल बैटल के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके चलो भाई, आई थिंक मेरे को स्पार्क ही करना चाहिए जब तक कैशलियन यहाँ पर बैटल में है। कैशलियन को एक बार हरा देना फिर मे बी वो सही हो जाना चाहिए। एंड देयर वी हैव इट पेन, येलो भाई। ओह स्पार्क से काम बन गया ब्रो, अब मेरे ख्याल से हमको हेडबट करना चाहिए। अच्छा मेरे पास हेल्पिंग हैंड भी है तो एक दूसरे की मदद भी कर सकते हैं ना डुअल बैटल में। ये भी तो देखो, अगर मैं खुद पे ही हेल्पिंग हैंड करूँ इससे हेडबट करवाओ। एक्चुअली मैंने स्पीड अप कर दिया था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि कैसे कौन सा हेल्प पड़ता है डबल बैटल में। अच्छा चलो ठीक है, हो रहा जो भी है। अच्छा डुअल बैटल है क्यों हो रहा था? मतलब क्योंकि मेरे पास प्लसन और माइनर है इसके कारण बस। चलो जो भी है। मैग्निफिसेंट, तुम लोग अनस्टॉपेबल हो, लेकिन अभी इतना इनफ है। चलो मैं तुम्हारे पोकेमॉन को हील कर देता हूँ। बहुत ही अच्छे। ऑल्सो ये लो एक्सप्लोरर किट। किट ओके बहुत ही अच्छे, हमको पोशंस वगैरह भी मिल गए। और कुछ?
There you go. इससे पहले कि तुम भूल भुलैया में जाओ, क्यों ना तुम मेरे लिए एक फेवर करो? श्योर, हम करेंगे वो. Not much really. You just make sure our guest reaches his destination safe and sound. वो एक पोकमन प्रोफेसर है, लिनही रिजन का. एवरेज हाइट, ग्रीन हेयर और ग्लासेस के साथ. ही इज अकॉम्पनीड बाई जिस असिस्टेंट. उन्हें अभी फाइबरनिया में पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो लेट क्यों हुए. इन सब चीज़ों को हम पे छोड़ दो सर. मैं फाइबरनिया में ही रहता हूँ, तो मैं उसको तुरंत में ढूंढ लूँगा. ये सर बोलना बंद करो. चलो भाई सही है, मिशन स्टार्ट. ओके, बट जो भी है, आज के एपिसोड के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट एपिसोड में हम जाके उस जो पोकन प्रोफेसर है उसको बचाएंगे और आगे का मिशन थोड़ा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं सब कुछ भूल चुका हूँ. मेरे से चैट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, मेरे को बीच में कट वगैरह करना पड़ रहा है, और दिन का टाइम है तो हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता होगा ना. बस नीचे कमेंट करके बता देना कि ये गेम तुमको कैसा लगा. मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मस्त लगा, इसलिए मैं बस खेल रहा हूँ. और नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो लाइक वगैरह कर देना यार. कितने करवा सकते हो तुम? 600? चलो 600 लाइक्स करवा देना. ऐसे तो उम्मीद कम है, बट करवा देना.